हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी विद निगार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच अपना प्यार और सपोर्ट इतना ज़्यादा देने के लिए। मैंने कल आपके साथ एक हेयर स्पा ट्रीटमेंट शेयर किया था, तो आपको वो मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई देख कर। तो आई होप कि इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे जल्दी से, ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोज मिलते रहे। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रेजी से लाइफ सेविंग हैक्स, जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जड़ से सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि लाइफ सेविंग हैक्स कौन से हैं जिनको अपना कर अपनी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। गाइज़ हम सबको परफ्यूम की भीनी भीनी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और किसी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले हम परफ्यूम ज़रूर अप्लाई करते हैं। बट होता क्या है कि थोड़ी देर बाद ये स्मेल गायब हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा एक हैक है, ये है मेरे पास जादू की डिब्बिया यानी वैसलीन। तो इसको आपको अपने कानों के पीछे दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, और दोनों ही रिस्ट पर भी आपको इसे अप्लाई करना है। इसके बाद इन्हीं जगहों पर आप परफ्यूम अप्लाई कीजिए। तो गाइस बहुत देर तक आपकी परफ्यूम की खुशबू टिकी रहेगी और आप भीनी भीनी खुशबू से महकती रहेंगी, और आपका परफ्यूम काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो गाइस ये वाला हैक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक किसी पार्टी या फंक्शन का इनविटेशन आ जाता है और हम तैयार नहीं होते हैं। हमने कई दिनों से डाई नहीं की होती है, बालों में कलर नहीं होता है, हमारे वाइट बाल दिख रहे होते हैं। तो इसके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन है, बहुत ही बेहतरीन हैक है कि आपको मस्करे से आप अपने इन बालों को हाइड कर सकती हैं, जो कि ग्रेस को छुपा सकती हैं। टेम्परेरी तौर पर आपके बाल तुरंत बिल्कुल डाई जैसे ब्लैक हो जाएंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन हैक है। फौरी तौर पर आपके बालों को वैसा ही कलर और इफेक्ट देगा जैसा कि आप कलर या डाई करके पाती हैं। तो गाइस ये वाला हैक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। गाइस अक्सर जब हम अपने बालों पे पफ क्रिएट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो वो ठीक रहता है, उसके बाद हमारा पफ पहले जैसा नहीं रहता और वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा हैक है कि बॉबी पिन जिससे आप अपना पफ क्रिएट करती हैं, तो उस पर हेयर स्प्रे या फिर कोई भी परफ्यूम आप पहले इस तरह से अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद इसी पिन से अपने पफ को सिक्योर कीजिए। तो गाइस आपकी बॉबी पिन उसी तरह से एज इट इज़ लगी रहेंगी बालों में, और आपका पफ भी एज इट इज़ बना रहेगा। तो ये वाला हैक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पफ क्रिएट करें, इस वाले हैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही हैं और आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल और मुरझाई हुई है, तो इस तरह में आपके लिए शहद बहुत बेहतरीन काम करेगा। सिंपल शहद आप एक बाउल में ले लीजिए और उसे पूरे फेस पे आप अप्लाई कीजिए। गाइस शहद में पाया जाने वाला सिलिकॉन हमारी स्किन को अंदर से बूस्ट करता है, हमारी स्किन पे नेचुरल शाइन लेकर आता है, और स्किन की जो भी रौनक हमारी खोई हुई है उसे वापस लेकर आता है। कोलेजन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, चेहरे पर एक फ्रेशनेस लेकर आता है। तो 15 से 20 मिनट तक सिर्फ शहद का लेप आपको नई ताजगी से भर सकता है। इसके बाद आप सिंपल नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। गाइस चेहरे की रौनक देखते ही बनेगी, आपका चेहरा इंस्टेंटली ब्राइट लगेगा, तक ग्लो भी करने लगेगा। तो ये वाला हैक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए जब भी आपको थकान महसूस हो या आपकी स्किन मुरझाई और बेजान लगे। अगर आप अपनी आई लैशेस को कर्ल करती हैं, तो कर्ल करने के फौरन ही बाद आप मस्कारे को अप्लाई ना करें। कुछ देर रुकने के बाद आप अपनी आई लैशेस पे मस्कारा अगर अप्लाई करती हैं, तो आपकी पलकें बहुत ज़्यादा घनी घनी और लंबी नज़र आएंगी, और इस मस्कारे ब्रश से आप अपनी आईब्रोज को भी सेट कर सकती हैं। तो गाइज आपकी आईब्रोज अगर थिन है तो वो भी भरी भरी सी लगेंगी और थिक दिखाई देंगी, और इसके अलावा एज इट इज़ बनी रहेंगी, वो बिखरेंगी नहीं। तो गाइज ये वाला हैक भी बहुत ज़्यादा फुल है, आप इसको भी ट्राई कर सकती हैं अपनी आईब्रोज और आईज को खूबसूरत दिखाने के लिए। गाइस इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर हम अपनी प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर सकते हैं। ये थे लाइफ सेविंग हैक्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
बहुत ही क्रेजी से लाइफ सेविंग हैक्स जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। गाइस थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज लेकर आने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।